जय हिंद साथियों, एग्जाम डे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे जो वीडियो री एग्जाम आपका आयोजित किया जाना है, तो उसके बारे में जो आपकी जितनी भी करंट अफेयर आनी है उसके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह आपके इस श्रृंखला में आपके पूरे अच्छे से कवर हो जाएंगे। इससे बाहर आपके शायद ही कोई क्वेश्चन देखने को मिले। आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की यह श्रृंखला करंट अफेयर की, जो लास्ट के 6 मंथ की करंट अफेयर है उससे रिलेटेड ये आपकी एक श्रृंखला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अगर आपका वीडियो का री एग्ज़ाम है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये वीडियो होने वाली है। तो आइए बिना देरी करें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला राज्य किसको पाया है, तो यानी कि किस राज्य ने पाया है यह सूचकांक, तो यह जम्मू एवं कश्मीर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन आपका, अरब सागर में सबसे लंबे समय तय करने का सक्रिय रिकॉर्ड किस चक्रवाती तूफान के पास है, तो बिबरजॉय जो ये चक्रवात है इस पे अरब सागर में सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने का रिकॉर्ड जो हासिल किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 फुटबॉल खिताब किस देश की टीम ने जीता है, तो यह उरुग्वे। उरुग्वे एक देश है, उसकी जो टीम है फुटबॉल की उसने यह फीफा अंडर-20 विश्व कप 2023 जीता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जल्द से जल्द ये वीडियो हम पूरी करा देंगे। एक जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें श्रृंखला में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखेंगे हम, टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 के महिला सिंगल्स का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यह इगा स्वेटेक ने यह खिताब जीता है। इसके बाद जल्द से जल्द अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, BSF के नए महानिदेशक कौन चुने गए हैं, तो यह नितिन अग्रवाल चुने गए हैं। तो एक अच्छी स्पीड बनी रहे इसलिए जल्द से जल्द क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा मैं जितने कम समय में आपके लिए, क्योंकि बहुत समय इम्पोर्टेंट है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विद्यालय का वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऋतु कालरा जो हैं इनको किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व मौसम संगठन WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए डॉक्टर अब्दुल्ला एल मंडीस किस देश से संबंधित हैं, तो यह UAE से संबंधित हैं, यानी कि संयुक्त राज्य अमीरात से। इसके बाद है अगला, रामायण महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, यह छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है। तो अभी एक मूवी जो ट्रेंड में चल रही है आदिपुरुष, तो उसको लेकर यह क्वेश्चन आपका इसमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है रामायण महोत्सव, तो यह रामायण से संबंधित है। तो रामायण महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में, तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं को राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है, तो यह कर्नाटक राज्य में की गई है। तो कर्नाटक राज्य में जितनी भी महिलाएं हैं वो अपना एक शक्ति कार्ड योजना के तहत, मतलब एक शक्ति स्मार्ट कार्ड बनवाएंगी और बसों में मुफ्त जो यात्रा कर पाएंगी। इसके बाद है अगला, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विद्यालय में फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो रितु कालरा को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की गई है, तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। तो यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करंट अफेयर है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी वीडियो के री एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एक अच्छा बड़ा एग्ज़ाम है वीडियो का री एग्ज़ाम, तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ संबंधित है, तो यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे चुना गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो यह संजय स्वरूप को। तो आप इस क्वेश्चन को भी याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ MOU साइन किया है, तो अमेजन किसान के साथ।
तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ किस संगठन द्वारा मनाया गया है? तो यह भारतीय नौसेना द्वारा। तो देखो यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह गांधी जी के सत्याग्रह की 130वीं वर्षगांठ के संबंध में यह क्वेश्चन दिया गया है। तो यह किससे संबंधित है? भारतीय नौसेना द्वारा यह मनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, रग्बी इंडिया ने अपने 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप कहाँ खेला जाएगा रग्बी इंडिया का? तो 8वीं जूनियर और 10वीं सीनियर चैंपियनशिप कहाँ खेला जाएगा? तो यह है आपका पुणे महाराष्ट्र में ये खेला जाएगा। इसके बाद अगला है, अंडरलाइन सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा, यानी कि अंडरलाइन सेवा की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है? उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा। तो यह भी आपके लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश से रिलेटेड यह करंट अफेयर है, तो आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेंगे। आप जब एग्जाम देकर आओगे तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बहुत सारे हम स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि देखो ये क्वेश्चन आए हैं, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना और वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की मंजूरी दी है? तो यह किसने दी है? यह आर्थिक मामलों की मंडलीय समिति CCE ने, तो इसके द्वारा यह समर्थन न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि की मंजूरी दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? यह है ट्रेविस हेड, ये बने हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर ये बने हैं। तो यह है पहले क्रिकेटर बने हैं, तो यह है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, शायद आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आप इसको याद कर लेंगे अच्छे से। इसके बाद अगला देखेंगे, एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डेकॉर्डशन इवेंट में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह सुनील कुमार जी ने यह मेडल जीता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, RBI द्वारा द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा जून 2023 में रेपो रेट बदलाव नहीं किया, यह रेपो रेट कितनी थी? यानी कि जो रेपो रेट पहले थी वो भी मतलब कि जैसे कि तैसे ऐसे ही रेपो रेट है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो वह रेपो रेट कितनी थी? 6.5, यानी कि जो 6.5% यह आपकी रेपो रेट है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका जो कि बदलाव नहीं हुआ है, तो इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि आपकी रेपो रेट जो है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, 6.5 पहले थी, 6.5% अब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस भारतीय निशानेबाजी जोड़ी ने जर्मनी में आयोजित ISSF विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभिनव शॉ और गौतमी भोनाट ने, तो इन दोनों की यानी कि ये जोड़ी है निशानेबाजी जोड़ी, इन्होंने 2023 का जो स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सहकारिता के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम को मंजूरी दी है, इसका खर्च कितना होगा? तो यह 1 लाख करोड़ का इसका खर्च होने वाला है। यह केंद्रीय बजट में सहकारिता क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम है, यानी कि सबसे बड़ी फूड स्टोरेज स्कीम का जो कितना खर्च होगा? 1 लाख करोड़ रुपए। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, किस देश में हाल ही में देश का पहला राज्य जिसने खुद का इंटरनेट ब्रांड ब्रॉडबैंड सेवा जून 2023 में शुरू किया है? तो यह केरल ने। तो इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेंगे, क्योंकि अब सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो इस वजह से यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत चेन्नई से श्रीलंका के लिए नई जून 2023 में रवाना की गई है, इसका नाम क्या है? तो MB एम्प्रेस इसका नाम है, जो कि पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत जो कि चेन्नई से श्रीलंका तक चलाई गई है। इसके बाद इसका जो थोड़ा सा एनालाइज है वो देख लेंगे, हाल ही में डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए
मचगांव डॉक लिमिट यार्ड ने जर्मनी देश के साथ समझौता किया है। हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में ये इसके बाद है अगला, हाल ही में पंप पन बिजली परियोजना की स्थापना के लिए NHPC ने महाराष्ट्र राज्य के साथ समझौता किया है। हाल ही में विदेशियों में रहने के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर न्यूयॉर्क बना है। इसके बाद अगला देखेंगे हम, ये लगातार कुछ आ गए हैं टॉपिक इसमें। हाल ही में जापान देश 2023 तक प्रमुख फार्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निर्देशक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का सम्मान हासिल किया है? तो यह है सूरीनाम का ये सम्मान हासिल किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोची में अमृता अस्पताल के साल भर चलने वाले रजत जयंती समारोह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह अमित शाह द्वारा किया गया है। तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, अमित शाह जो है उनका मंत्री पद कौन सा है, वे कौन से मंत्री हैं वर्तमान में, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में 57वीं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोची किस राज्य से संबंधित हैं? यह गोवा राज्य से संबंधित हैं, यानी कि दामोदर मोची किस राज्य से संबंधित हैं? गोवा से। और इनको कौन सा सम्मान मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, पहली भारतीय का नाम बताइए जिन्होंने सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है, यानी कि जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको यह पुरस्कार मिला है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा पहली महिला महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इसका आंसर देखेंगे, सेलेस्ते साउलो को नियुक्त किया गया है, पहली मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव हैं। इसको क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नया नाम रखने का ऐलान किया है। तो अहमदनगर का जो नाम है, महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का जो नाम बदलकर क्या रखने का सोचा है? तो यह अहिल्यानगर, अहिल्यानगर के नाम से आपका अहमदनगर हो सकता है आने वाले टाइम में जाना जाए। इस क्वेश्चन को भी आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान देने की नमो सहकारी महासंगन योजना का मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो इसको आप, तो यह राज्य है आपका महाराष्ट्र। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कल को जो वीडियो का रीएग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए हम आपको टाइम से एकदम, जैसे ही एग्ज़ाम आपका देखने एग्ज़ाम होगा उसके साथ साथ ही आपको एनालाइज हमारे चैनल पर शुरू हो जाएगा। तो आपके जो क्वेश्चन हैं अधिक से अधिक हम एनालाइज कराने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो जिनका एग्ज़ाम परसों को है उनको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आप अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जोड़िएगा, जिससे कि उन तक भी यह जानकारी पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक कोविड ईयर 2022-21 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक में पहला स्थान केंद्र शासित प्रदेशों में किसे मिला है? तो लक्षद्वीप को मिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की GDP विकास दर कितनी रही है? 7.2% 22-23 की GDP विकास दर रही है। हाल ही में कन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री का अध्यक्ष पद 2023-24 के लिए किसने संभाला है? तो आर दिनेश ने यह पद संभाला है, CII का अध्यक्ष पद। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो यह आयरलैंड, यानी कि यह क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लागू करने वाला दुनिया का दूसरा और यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? आयरलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, विश्व तम्बाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। ये अभी हाल फिलहाल में ही निकला है, तो यह है आपका करंट का दिवस है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। और साथ ही साथ आप याद कर लेंगे 22 मार्च को आपका जल दिवस होता है, और 22 अप्रैल को आपका जो होता है पृथ्वी दिवस होता है, और इसके बाद होता है 22 मई को आपका जो कि जैव विविधता दिवस होता है। तो इन तीनों दिवस को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। इसके बाद है, हाल ही में किस मंत्रालय ने विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस रद्द कर दिया है? यह किस मंत्रालय ने कर दिया गया है? यह गृह मंत्रालय द्वारा कर दिया गया है, यानी कि विदेशी योगदान पंजीकरण अधिनियम लाइसेंस जो कि गृह मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया है। यह क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है, 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कानूनी रूप से कोयला खनन फिर से शुरू हो गया है? यह है मेघालय में। तो मेघालय में पिछले 9 साल से यह कोयला खदान पर जो रोक लगा हुआ था उसको फिर से शुरू कर दिया गया है। तो यह क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, हाल ही में असम ने किस राज्य के साथ सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए समझौता किया है? तो यह असम ने किस राज्य के साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो सीमा विवाद है इसको समाप्त करने का समझौता किया है किसने? असम ने। इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी ने कितने रुपए का सिक्का जारी किया है? तो यह 75 रुपए का आपका सिक्का मोदी द्वारा, जो पीएम मोदी द्वारा जारी किया गया है इसके उपलक्ष्य में, नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। और देखेंगे अगला, दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? आशा भोसले को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत का कौन सा राज्य अपनी जेलों के नाम बदलकर सुधार गृह करने की योजना बना रहा है? यह उत्तर प्रदेश। तो यहाँ के जो योगी आदित्यनाथ हैं वो आपको पता ही होगा किस टाइप के आपके सीएम हैं। तो ऐसे जो नए कार्य हैं, यानी कि जो नाम बदलकर आपका सुधार गृह रखने जा रहे हैं, यानी कि जो राज्य की जितनी भी जेल है उनका नाम जेल ना होकर, कारागार ना होकर उनका नया नाम सुधार गृह रखने की योजना बना रहे हैं। कौन बना रहे हैं? उत्तर प्रदेश राज्य के ये जो सीएम हैं हमारे योगी आदित्यनाथ, इनके द्वारा ये योजना तैयार की जा रही है। तो ये आपको कदम कैसा लगा आप इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में देंगे। इनका नाम अगर सुधार गृह रखोगे तो इस पर एक पॉजिटिव आपकी जो मैसेज है समाज में आपको देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है वीडियो री एग्जाम, और ये उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर है। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में देखने मिलेंगे। किस दक्षिणी एशिया देश में विश्व बैंक ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो सड़क सुरक्षा योजना परियोजना किस देश में लागू की गई है? तो यह बांग्लादेश में की गई है। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी, और साथ ही साथ अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आप उस इम्पोर्टेंट वीडियो को, उस पर थोड़ा कार्य चल रहा है तो वो आपकी पीपीटी अच्छे से तैयार नहीं हो पाई है, जिस वजह से उसके क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं किए गए हैं, वह आपके जो दूसरा पार्ट है करंट अफेयर का उसमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आप उस वीडियो को मिस ना कर पाए इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।